हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स और हमारी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, सब लोग कैसे हो? एकदम स्वस्थ ना? मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहे और खुश रहे, बस यही मेरी अभिलाषा है। आज सुबह सुबह छत पर आई हूँ मैं, मौसम बहुत अच्छा है। मुझे पूरी उम्मीद थी शायद बारिश होगी, लेकिन जो उम्मीद थी वो ना उम्मीद में बदल गई। शाम में मौसम कुछ उसी तरीके का था जैसे बारिश के पहले वाला होता है, हल्की बूंदाबांदी भी हुई और काले हो गए बादल, लेकिन रात में बारिश नहीं हुई और सुबह उठे तो भी चारों तरफ सूखा ही था। हवा भी नहीं चल रही है, एकदम शांत है, लेकिन पूरी उम्मीद है शायद आज शाम को बारिश हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लास्ट सैटरडे को शाम को बारिश हुई थी तो संडे वो बरसात वाला मौसम था, शायद आज शाम तक बारिश हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो फिलहाल सुबह अच्छा लग रहा है, गर्मी नहीं है लेकिन ठंडक भी नहीं है, तो बस सुबह का वक्त कुछ इस तरीके का है मौसम। और इसके बाद बनेगा घर में नाश्ता और फिर आगे रोज़मर्रा के काम। तो आज का हमारा व्लॉग क्या है, आज मैं क्या बनाने खाने वाली हूँ दिन भर, वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बहुत ही मज़ेदार सा कमेंट था, उन्होंने बहुत ही बारीकी से नोटिस किया होगा। मुझे कमेंट आया है कि जब अभिलाषा बहुत ज्यादा खुश होती है तब ऐसा बोलती है कि आप सभी लोग कैसे हैं, हमेशा स्वस्थ और खुश रहें, यही अभिलाषा की अभिलाषा है। और जब उसका मूड नॉर्मल होता है मतलब, तब वो बोलती है कि बस आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। मतलब अभिलाषा की अभिलाषा में और मेरी अभिलाषा में, दोनों में मेरे मूड पे फर्क पड़ता है, ऐसा बोला उन्होंने। नाश्ते की तैयारी के लिए मैंने आलू और गोभी की सूखी सब्जी बनाने का प्लान किया। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के गरम किया, जीरा और मेथी डाला है। बहुत ही सिंपल सी सब्जी बनाती हूँ मैं आलू गोभी की, और मैंने हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाली है, हल्दी पाउडर डाला है, और इसके बाद जो आलू और गोभी है इन्हें डाल देंगे। गोभी का सीजन नहीं है लेकिन आ रही है यहाँ गोभी, फूल गोभी भी, पत्ता गोभी भी। अब चूंकि हमारे यहाँ वही टिफिन का मसला रहता है तो सूखी सब्जियों के हिसाब से बनाना है ये सोच के सब्जियां लाई जाती हैं, इसीलिए ज्यादातर वही सब्जियां जरूर आती हैं जो सुबह फटाफट से बन जाएं। तो जैसे आलू गोभी और क्या, भिंडी लौकी तोरई, जो सूखी सब्जियां बनने वाली होती हैं। तो रखी हुई है तो गोभी बनाई मैंने उसको, लेकिन गुनगुने पानी से साफ किया है, छोटे छोटे टुकड़े किए हैं ताकि पूरा अंदर तक उनका निकल जाए खोल कि कुछ भी है तो, और नमक डाल करके सब्जी में मिक्स करके ढक दिया है। हल्दी और नमक में ये सूखी सब्जी पहले पका लेती हूँ मैं, फिर बाद में मसाले डालती हूँ, फिर कुछ मिनट भून लो तो एकदम आलू गोभी फ्राई फ्राई बच्चों को पसंद है। वैसे तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाला। धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, थोड़ी सी मतलब स्पाइसी फ्लेवर आएगा मसाले की वजह से, फीका फीका नहीं लगेगा। और बस सूखे मसाले डाल दिए, हल्दी हम पहले ही डाल चुके हैं और बस इसको थोड़ी देर भूनना है। तो अब ढकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नमक डालने के बाद ये पक चुकी है, और अब इसे खुला धीमी आंच में ही ऐसे हिलाते डुलाते करके पकाना है। तो जितना हो सके गोभी फ्राई फ्राई हो जाते हैं ना लाल लाल से, और आलू भी, और गुनगुने पानी से धुलने में गोभी पूरी साफ हो जाती है नमक डाल करके अगर कुछ मिनट रख दिया तो। और अब मैंने इस सब्जी को कढ़ाई से पलट लिया है डोंगे में और कढ़ाई भूलने में डाल देंगे। आज बड़ी कढ़ाई का नंबर आया, बड़ी बहू हमारी, और फटाफट से मैंने सेकने शुरू किए पराठे, क्योंकि सुबह के नाश्ते में गोभी की सब्जी और पराठे हैं, और लंच में हमारे यहाँ दाल राइस गरम गरम। बस इसके बाद फिर रात में सब एक साथ रहते हैं तो उसके हिसाब से सब प्लानिंग होती है। सैटरडे गुप्ता जी का आने जाने में थोड़ा टाइमिंग उनकी लेट हो जाते हैं आने में, तो इसलिए लंच टाइम पे नहीं रहेंगे लेकिन वापस आके खाते हैं। तो गोभी की सब्जी पराठा खा के गए, बच्चों ने भी सुबह यही नाश्ता किया, और दोपहर में जब दाल राइस बनाया तो सबने गरम गरम दाल चावल खाया, थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी बाकी तो दाल फ्राई रहती है। और एक बहुत मजेदार कमेंट जिसको पढ़ते ही तो मैं लोटपोट हो गई, कमेंट था कि आप खाना खाने के बाद आप लोग हाथ कहाँ धुलते हैं।
मैं तो खाना खाते ही बर्तन बर्तन उठा के धोने मांजने लग जाती हूँ, तो मैं किचन में ही हाथ धुल लेती हूँ। गुप्ता जी और शुभी, उनकी आदत है, वो जो बेडरूम में बाथरूम है वहां पर वॉश बेसिन लगा है, वो दोनों वहीं जाते हैं हाथ धोने। और शुभम का फिक्स है कि वो बालकनी में जो वॉश बेसिन लगा हुआ है, किचन के बाहर वाली बालकनी, वहां पर हाथ धुलता है। चारों की दिशाएं अलग हैं। शुभी और गुप्ता जी बेडरूम की ओर भागते हैं हाथ धुलने के लिए, और शुभम बालकनी की ओर जाता है, और मैं सीधे धड़ाम से किचन में शुरू हो जाती हूँ, बर्तन बर्तन ले करके हाथ वहीं धोना और वहीं बर्तन मांजना शुरू हो जाता है मेरा। मुझे ये कमेंट सुनकर इतनी हंसी आई। और पराठे पूरे बन चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पर ऑडी यूनि रैप्स का यूज कर रही हूँ। कैसरोल में मैं इसे लगाऊंगी, क्योंकि जो घी लगा है पराठों में वो मेरे रोटी वाले कपड़े पे ना लग जाए, क्योंकि जब भी मैं रोटी रखती हूँ तो मैं कपड़ा जरूर लगाती हूँ कैसरोल पे। तो मैं पराठे रख रही हूँ, तो मैंने ऑडी यूनि रैप्स का यूज किया है। बस इस तरीके से अच्छे से पराठे कैसरोल में रख करके ढक दिया है। अब जब बच्चे मांगेंगे तब उनको खाना दूंगी मैं। और मैंगो शेक तो फिक्स है, मतलब दूध का यूज होना है आज तो, बस आजकल तो वही है एक आम में पूरी फैमिली का चाय बन जाए। बड़े बड़े आम साइज के आम है, तो मैंगो शेक बनाया, और इन लोगों का सब्जी पराठा और मैंगो शेक नाश्ते में रहता है, तो दोनों बच्चों को दिया। और अब शाम का टाइम, ज्यादातर हमारे यहाँ एकदम बना बनाया टाइम है हर चीज का फिक्स। तो दोपहर में जैसे दाल राइस खाया गया, फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह धुले। गुप्ता जी ड्यूटी से आए तो ये कुछ सब्जियां और फ्रूट्स लेकर के आए हैं, उन्हें मैंने सब धो के रखा है, और जब ये सूख जाएंगी तब इन्हें रखेंगे फ्रिज में। और अब शाम के काम की तैयारी शुरू हो रही है, शाम वाली। और इसके पहले मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, मेरा चश्मा आ गया है। संडे गई थी ना मैं गुप्ता जी के साथ अपना चश्मा बनवाने के लिए ऑर्डर देने, तो ये चश्मा कल आया था। कल मैंने थोड़ा सा लगा के देखा तो मुझे कितना अजीब अजीब सा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था सब तरफ घूमी जा रही हूँ मैं। और मुझे बोला गया है कि इसे पूरी कोशिश किया जाए कि दिन भर लगाया जाए, तो मैं लगा के काम करना चाह रही हूँ। चश्मा कैसा दिख रहा है मुझ पर, अब वो तो फिकर ही नहीं लग रही, अब चश्मा लगाने के बाद मुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली अब ये पावर वाला चश्मा लगा करके देखने पहली बार जीवन में ऐसे, जो हमेशा बिना चश्मे की सारी चीजें साफ सुथरे से देखती थी, अब यूं देखना पड़ता है मुझे। तो अभी फिलहाल जो मैं शाम वाला शूटिंग करूंगी तो मैं अपने इसी चश्मे में ही रहूंगी और फिर काम करती रहूंगी। मुझे धुंधला धुंधला सा लग रहा है, जैसे चश्मा लगा के ऐसे चलने में भी धरती थोड़ी ऐसे जैसे पास, और ऐसे अजीब अजीब सा सब कुछ लग रहा है मुझे, पहली बार लगा है ना, तो आज पहला दिन मैं लगा लूं। कल मैंने सिर्फ लगा के देखा था और वापस रख दिया था, और आई ड्रॉप भी दिया गया है, वो भी डालती हूँ मैं दिन में एक या दो बार। तो मैंने जो हरी मिर्ची धुल के रखी थी ना, उनको नैपकिन साफ नैपकिन में फैलाया था, और इसमें जो हरी मिर्ची में जो डंठल होती है वो सारी की सारी निकाल दी थी। और ये स्टील का जो डब्बा है इसमें मैं हरी मिर्ची रखती हूँ, तो कोई भी नैपकिन वगैरह लगा करके फिर इस तरीके से हरी मिर्ची काफी लंबे समय तक स्टोर रहती है। तो बस इस तरीके से ये मैंने डब्बा पैक किया, साइड में किया, अभी फ्रिज में नहीं रखा, इकट्ठे रखूंगी अदरक वदरक सब साथ में। और कढ़िया रानी देख लो, आज इनका हो गया, नहा धो चुकी हैं, ये बड़ी प्रसन्न है क्योंकि अब इनको काम पे लगाया जा रहा है। सोच रही हूँ कि अब छोटी बहू को भी थोड़ा आराम दे दूं। और ये खरबूजा काट रही हूँ मैं, तो खरबूजा बहुत ही मीठा है, कलर तो सुंदर वाला है ही, डार्क वाला, तो अभी आज ही आया है। वैसे पानी में डाल के रखो ना थोड़ी देर, तो फिर उसकी गर्मी शांत हो जाती है, मतलब बाहर से जो गरम गरम फ्रूट्स आते हैं। और गर्मी के दिनों में वाटरमेलन और ये मेलन, ये दोनों ही फल बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में, क्योंकि हर सीजन का अपना एक अलग फ्रूट होता है और वो उसमें फायदेमंद होता है। मैंगो पीछे क्यों रह जाए महाराज, तो भैया इनका भी मैंगो शेक, क्योंकि मैंगो शेक इतना जरूरी नहीं है, जो दूध का भगोना फ्रिज में रखा है उसको तो बेचारे को खाली करना है ना, उसे भी धुलना है नहलाना है, तो दूध खाली करना है, तो दूध कोई पीने को जल्दी तैयार नहीं हो रहा है आजकल, ना बोलने लगते हैं जैसे दूध पूछो, तो बस हमने बना डाला मैंगो शेक, लो पियो, तो भर लो पेट, फिर उसके बाद जैसी भूख लगे जितनी उसके हिसाब से बताना, तब उसके हिसाब से रात के खाने की तैयारी होगी। हम तीन टेबल पर हैं, शुभम कहाँ है ना, ट्यूशन क्लास, शुभम वो का सामने कमरे के अंदर है, अपना क्लास चल रही है उसकी, और उसको कैमरा ऑन है, आवाज़ आ रही टीचर की, इसलिए मैंने उसको दरवाज़ा घुड़ा के रखा था।
और अदरक का ये डब्बा है, मुझे किसी ने पूछा कि क्या ये कद्दूकस है या आपने अलग से डब्बा लगा रखा है। ये ऐसे आते हैं बॉक्स, ऑनलाइन भी मिलेगा आपको। मैंने तो ये खैर साई जीवन से लिए थे कंटेनर, पर ऑनलाइन भी मैंने देखा ये अदरक वाला है। इसमें कद्दूकस भी हो जाता है, अदरक रख सकते हैं और हरी मिर्ची और टमाटर और सब्जियां जैसे अभी रखी हुई है, लौकी है, भिंडी है घर पे, गोभी आज मैंने बनाई थी इसलिए सब्जियां नहीं आई हैं। और ये चूंकि अक्सर लगता रहता है हर चीज़ में तो इसलिए आ जाती है बीच बीच में। और ये मशीन मैंने लगाई शाम को सैटरडे, अब जब ये सब फलाहार हो चुका था, फिर अभी खाना अभी सबका फुल पेट भर गया, अभी खाने में क्या बनाया जाए अभी तक सोच विचार चल रहा था घर में। तो मैंने सोचा चलो कपड़े धुल देते हैं, मशीन लगाते हैं, क्योंकि संडे बहुत सुबह से खतरनाक चलता है, नाश्ता भी, कपड़े भी, धुलाई भी, घर भी, तो सफाई भी, मैंने सोचा कर लेते हैं। वैसे मेरी आदत में था काफ़ी, मैं मतलब बच्चे भी छोटे थे, मैं अक्सर शाम में कपड़े धुल लेती हूँ तो अपना, ताकि अगले दिन का सुबह वाला जो काम बहुत होते हैं उसमें मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो ये मैंने आज कर डाला क्योंकि अभी सबके कपड़े दिखे मुझे, मशीन लगा दी। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, भले ही शाम को देखो नहीं पता चलता ये, क्योंकि अभी जैसे खाने की कोई जल्दी नहीं थी ना, कुछ ज़्यादा काम नहीं था, तो बस मशीन लगती गई और धो डाले सब। अब थोड़ी देर बाद खाना बनाया जाएगा, सबका पेट भरा ही हुआ है। तो ये कपड़े धुले गए और इसको ऊपर पहुंचा दिया। मौसम कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छा, ऐसा शाम के बाद अच्छा लगता है, 6-7 बजे के बाद। और सबसे अच्छी बात है ना, काम करने में भी अच्छा लगता है, और दोपहर में अगर ज़्यादा तेज़ गर्मी रहती है तो ज़्यादा काम करने में नहीं अच्छा लगता, जो बहुत ज़रूरी है बस लगता है वही करो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। देखो ट्राईपॉड कैसे बीच में रखा है, अभी वाला ट्राईपॉड निकाला है तो ये जहाँ खड़ा का है वहीं क्यों वहीं खड़ा रह जाता है। और बालकनी में धुलाई कर ली मैंने, वॉशिंग मशीन यहीं लगाई है ना, और छोटे छोटे से जो कपड़े हैं वो मैंने यहाँ डाल दिए हैं हैंगर में, बाकी बड़े कपड़े सब वहीं, सुबह कल सूखे मिलेंगे संडे को बढ़िया। और जो वॉशिंग मशीन में मैंने प्रॉब्लम बताई थी ना, वो पानी नहीं जाता है, तो मुझे किसी ने बोला एक्सटेंशन पाइप लगा लें वॉशिंग मशीन में। मुझे पता है एक्सटेंशन तो लगा लें, पर वो जो आउटलेट तो कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा ना, वो जो छेद है वहाँ जाली लगी हुई है, पाइप है जहाँ से पानी जाता है, उस जाली को, पहले जाली नहीं लगी थी तो चूहे आ जाते थे। तमाम मसले हैं ज़िंदगी में भाई, एक नहीं तमाम परेशानियाँ हैं। अदरक और लहसुन की मैं बना रही हूँ चटनी, तो मैंने ढेर सारा हरा धनिया, जो कि आज जब सब्जी आई ना हरा धनिया आया, और वो स्टोर नहीं करना था मुझे, मैंने ज़्यादा सा यूज़ करना चाह रही हूँ, तो धो करके हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और नमक डाल के मैंने पीसा। एक तो आप इस तरीके से हरी लहसुन और हरी धनिया की चटनी बना सकते हैं, प्लस मैं टमाटर डाल रही हूँ इसमें, अब टमाटर डाल करके भी पीस, और चटनी बनाकर साइड में रख दिया है मैंने। वो चटनी आप किसी भी स्नैक्स के साथ बना सकते हैं। अब ये हुआ कि क्या बनाया जाए, बंद गोभी भी रखी हुई है और ये हैं 2 आलू जो कि कच्चे हैं। लास्ट टाइम भी मुझे किसी ने क्वेश्चन किया क्या उबले हुए आलू लिए थे, ये कच्चे आलू हैं, मैंने छिलका निकाला है और आलू को कद्दूकस किया है। साथ में करीब 2 कटोरी जितनी बंद गोभी है, पत्ता गोभी, वो भी मैंने पतला लंबा काटा है। तो अब किसी भी बर्तन में मैंने डाला है ये पत्ता गोभी और ये आलू के लच्छे जो कि कच्चे आलू के लच्छे हैं। स्वीट कॉर्न चॉइस है, वैसे तो स्वीट कॉर्न की जरूरत नहीं भी थी पर मैंने डाला, मुझे पसंद है। और हरी मिर्ची डाली है, हरा धनिया डाला है, और ये सब मैं बड़े बर्तन में कर रही हूँ ताकि मुझे अच्छे से मिक्स करते बनेगा। और नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच से कम, लाल मिर्ची पाउडर, और ये जीरा और अजवाइन, ये दोनों ही चीज़ें डाली हैं मैंने, जीरा और अजवाइन। और अब ये डाल रही हूँ मैं सफ़ेद वाली तिल, और साथ में मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। अब सभी मसालों के बाद मैंने डाला है बेसन, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने डाली हैं इन सबको बाइंड करने के लिए जितने भी बेसन की ज़रूरत लगे, जैसे मैंने अभी एक बार डाला था ऐसे करके मैंने 3 बार डाला है, मतलब आप बेसन का क्या कह सकते हैं, 3 कटोरी लगा ही होगा कम से कम, क्योंकि इतनी वो जो सब्जियां उनको बाइंड करने के लिए, आलू और बंद गोभी, पानी के सिर्फ छींटे लगाए जितने पानी की ज़रूरत है। और लास्ट में मैंने ये डाला है सूजी रवा, सूजी रवा थोड़ा सा डाला है और अच्छे से मिक्स कर दिया, इससे करारापन आता है, कुरकुरापन। और सब मिक्स करने के बाद चटनी के लिए मैं एक टिप देना चाहती हूँ, हरी चटनी में यदि आप 1 चम्मच नींबू का जूस मिला देते हैं या चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं पीसते समय, उससे आपकी हरी चटनी का कलर बहुत सुंदर आता है। तो अभी जैसे ही मैं फ्रिज में बार बार काम कर रही थी तो मुझे एकदम से आधा नींबू कटा दिखा, दोपहर में काटा था जो, फिर मैंने सोचा चलो नींबू इसमें डालते हैं, इससे हल्का खट्टापन भी चटनी में आएगा। वैसे तो 1 टमाटर डाला है और इसका कलर भी मुझे याद आया कि मुझे बताना था।
अब चटनी बन गई है और ये जो बैटर है, समझ ही गए होगे हमारे यहाँ क्या फरमाइश हुई थी पकौड़े भजिए की। तो ये मैंने ऑडी यूनियर एप्स निकाला है और इसे प्लेट में लगा लिया है, कढ़ाई में तेल गरम करने डाला है और बड़ा शौक है बड़ी कढ़ैया को हमारी काम करने का। चलो करो, बड़ी बहू लगी पड़ी है आज, छोटी बहू का आराम है, सुबह से कोई काम नहीं करवाया मैंने उससे ना। बड़ी कढ़ैया में जो तेल रखा है तो बस इसमें पकौड़े ड्रॉप कर रही हूँ मैं। जो लोग डीप फ्राई नहीं खाना चाहते हैं तो जैसा ये जो भी मैंने बनाया है ना डो, इसको थोड़ा सा आप सख्त रखो और इसके मतलब गोल गोल शेप लेकर के आप स्टीमर में स्टीम करके फिर जैसे मुठ्ठियां बनती हैं वैसे बना सकते हो, बंद गोभी की मुठ्ठियां जैसे लौकी की बनती हैं सेम वैसे ही। तो ये हमारे यहाँ बन रहे हैं पकौड़े, पकौड़े के तो उनके शुभी के पापा और शुभम ये दोनों फैंस हैं और शुभी हमारी बंद गोभी के पकौड़े की दीवानी हो गई। एक दिन मैंने मंचूरियन बनाया था बंद गोभी का, उस दिन छुपी ने रूखे मंगोड़े ये पकोड़े खाए थे, तब से वो कह रही है कि मम्मी ये पकोड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है आज वही बनाते हैं। तो ये पकोड़े बनाए गए हैं और चटनी और यही खाया जाए। ढेर सारी सब्जियां हैं, देखो अभी हम पत्ता गोभी की सब्जी और पराठे बनाते ना तो गुप्ता जी कहते बस मीनू रहने दो, दो रोटी काफी है, बंद गोभी की सब्जी में स्वाद ही नहीं आता, अभी सीजन नहीं है ना इसलिए। तो ये बड़े शौक से खाए जाएंगे और सब खुश। अब यहाँ पर चौके बर्तन की धुलाई, मैं वो बताना चाहती हूँ कि मेरा जो लंबा मंगलसूत्र मैं पहने हूँ, छोटा वाला क्यों नहीं पहने। एक दिन ऐसे ही अचानक से ना छोटा वाला मंगलसूत्र जो मैं डेली पहनती हूँ, मुझे वो ही पसंद है, वो मेरी आदत में है, कहीं भी जाओ आओ कोई डर नहीं, वो ना खुल गई उसकी हुक, टूट गया मतलब ये कहना चाहिए, मतलब पूरा मंगलसूत्र सही है ज्वाइंट खुल गई है। तो फिर मैंने उसको हटा दिया, इसलिए मैंने चेन वाला पहन लिया है। ये चेन है लॉन्ग चेन और इसमें पेंडेंट लगा हुआ है तो ये मंगलसूत्र का काम करता है, तो मैंने इसलिए ये पहना है। मार्केट वगैरह खुलेगी तो मैं उसको जुड़वा कर लाऊंगी, फिर मैं वो पहनूंगी और इसको रख दूंगी। अब हमारे यहाँ देखो सब, बाय बाय, थैंक यू।